और मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और PUBG मोबाइल की नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा PUBG मोबाइल की टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब मत करना, पहले वीडियो देखना, और अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक करना और चैनल को फिर जाके सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, पहली जो हमारी ट्रिक है, ये काम कर रही है हमारी टू स्टोरी बिल्डिंग में। दरअसल ये ट्रिक जो है, ये टू स्टोरी बिल्डिंग में ही नहीं, आपको हर एक हाउस में मिल जाएगी ये ट्रिक काम करेगी। जहाँ पर आपको एक बॉक्स मिले, आपको बस वहाँ आना है और जंप करना है और अपनी स्क्रीन को बस थोड़ा सा हिलाना है। अब ये करते वक्त आप क्लियरली देख पाओगे। अब आप शायद यहाँ पे क्लियरली ना देख पाओ, और मैं लेकिन देख रहा हूँ कि मेरा जो टीममेट है वो ऊपर आराम से होल्ड कर बैठा हुआ है। तो इस ट्रिक की मदद से अगर आप भी अपने एनिमी को ढूंढ लोगे तो काफ़ी इजीली आप अपने एनिमी को मार पाओगे। दोस्तों, इस ट्रिक को आप पक्का इस्तेमाल करना, काफ़ी यूज़फुल ट्रिक होने वाली है ये आपके लिए। और अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है यार। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दूसरी ट्रिक जो हमारी है वो काम कर रही है इस वाले हाउस में, जो कि मिलिट्री बेस के पास ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे, ये जो ऊपर सीक्रेट रूम है यहाँ पर आप कैसे जा सकते हो। अब जाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर चढ़ना है और यहाँ से आपको करनी है लेज ग्रैब। लेज ग्रैब करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर आके लेज ग्रैब करनी है और बूम गाइस, आप यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद भाई, अगर लास्ट सर्कल यहीं पर बनता है तो एनिमी की भाई चटनी बना वाले हो आप। और यहाँ पर आके आप अपने एनिमीज को, सॉरी टीममेट्स को भी ये जगह बता सकते हो। तीसरी ट्रिक हमारी जो है, ये बहुत ही ऑसम है, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। अब होता क्या है भाई, बंदे जो है वो ऊपर होल्ड कर बैठे होते हैं, और यहाँ पर बंदे जब मारने होते हैं तो बहुत ही उनको मारने की मुश्किल होती है। अब आपको करना क्या है, अपने टीममेट को बोलना है दरवाजे के पीछे खड़े हो जा, और जैसे ही आपका टीममेट खड़े हो जाएगा आपको यहाँ से जंप करके लेज ग्रैब करनी है। और लेज ग्रैब जैसे ही आप करोगे, आप अपने टीममेट को बोलना यहाँ से छलांग मारे, और आप कुछ इस तरीके का नज़ारा अपने PUBG मोबाइल में ले पाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप बड़े ही आराम से थ्रोएबल सुपर फेंक सकते हो, और पर याद रखना नीचे से आप फायर नहीं कर पाओगे, बाकी आप थ्रोएबल्स या मोली वगैरह बड़े ही आराम से ऊपर फेंक सकते हो। दोस्तों, अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। अब हमारी जो चौथी ट्रिक आती है वो आती है गटका में। अब सामने वाले घर पे कई बार बंदे कैंप करके बैठे हुए होते हैं छत पर, तब उन्हें मारने के लिए अब आपका भाई आपके लिए ट्रिक लेकर आया है। आपको करना क्या है, इस वाले हाउस में यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, और इस साइड से आपको जंप लगा के इसके ऊपर आ जाना है। और यहाँ पर आके अगर सामने एनिमीज बैठे हो तो आप बहुत ही आराम से उन्हें फिनिश कर पाओगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अब तक क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, आपकी लाइक मेरी मोटिवेशन बढ़ा देता है, और जब मेरा मोटिवेशन बढ़ता है तब और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। अगली ट्रिक जो है वो काम कर रही है हमारी पोचिंकी में। अगर आप पोचिंकी में आते हो तो आप इस हाउस के बारे में तो जानते ही होंगे। ज़्यादातर यहाँ पर बंदे भाई कैंप करके तो बैठे हुए होते हैं। अब उनकी कैंपिंग को आप ब्रेक डाउन करने के लिए आपको बस करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप है, यहाँ पर आपको चढ़ना है। और यहाँ पर चढ़ने के बाद भाई आपका एनिमी भी बहुत ही शॉक हो जाएगा कि इसने मुझे किस तरीके से मारा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जंप लगाना है। सबसे आप पहले थोड़ा सा पीछे चले जाना, और फिर आप यहाँ से भागते हुए यहाँ से जंप करना और अपने एनिमी को सरप्राइज अटैक देना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अब तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लो। ऐसी ही वीडियोस मैं अपने चैनल पर हर 2-3 दिन बाद अपलोड करता रहता हूं, तो इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और भाई, सेफ रहो, सिक्योर रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। बाय बाय, सायोनारा सायोनारा।